सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र लेखन अपने आप में एक कला है और आपको इस बात का बड़ा ध्यान होना चाहिए कि पत्र लेखन में हम जो गलतियां करते हैं वो गलतियां पत्र लेखन का स्वरूप ही बिगाड़ देती है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि संस्कृत में पत्र लेखन के लिए सबसे पहले हम संबोधित करना सीखेंगे पत्र के पहले भाग में और विषय लिखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, पुरुष प्रधानाचार्य के लिए बच्चों हम लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय और महिला प्रधानाचार्य के लिए लिखेंगे महोदया। राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी। तदोपरांत बच्चों हम विषय लिखेंगे दिन द्वयस्य रुग्णावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। दिन द्वयस्य यानी कि दो दिन के लिए रुग्ण अवकाशार्थम बीमार होने की वजह से, बीमार होने के कारण से प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। प्यारे बच्चों इसको हम संबोधन भी कहते हैं और इसमें हम ये दिखाते हैं कि हमें किसको पत्र लिखना है, किससे हम अवकाश प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो यह संबोधन हमारे संस्था के प्रधान, चाहे प्रधान अध्यापक हो चाहे प्रधान अध्यापक हो, के नाम हुआ। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम संबोधित करना सीख गए कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं, किसको हम अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। इसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें हम लिखना शुरू करेंगे महोदया या महोदय, पुरुष या स्त्री प्रधानाचार्य के संदर्भ में जो भी उचित होगा, पुरुष के लिए महोदय और स्त्री प्रधानाचार्य के लिए महोदया। उपयुक्त विषय अंतर्गत, उपयुक्त विषय के तहत निवेदनम अस्ति, प्रार्थना है, निवेदन है, यत कि अहम गत दिवसात, कि मैं पिछले दिन से अतीव रुग्णो अस्मि, बहुत बीमार हूँ। रुग्णो, रुग्णो मीन्स बीमार, अस्मि माने हूँ। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम ना अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आगंतुम ना अस्मि, नहीं आ सकता हूँ। प्रार्थना अस्ति, आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, यत कि, देखिए क्या लिखेंगे इसमें, डेट पुरानी लिखी हुई है, आप उसमें आज की डेट 19 मई 2020, तह माने से 20 मई 2020, दो दिन हो गए, दिनांक पर्यंतम दिन तक, दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य, दो दिन का अवकाशम, अवकाश स्वीकृत्य, स्वीकृत करके माम अनुग्रहिष्यन्ति, मुझे अनुग्रहित करें, मेरे ऊपर यह कृपा करें। भवताम आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। बच्चों बहन, प्यारे बच्चों, मैंने अपना नाम लिख दिया विजेंद्र सिंह, और संस्कृत अध्यापक, मैं संस्कृत अध्यापक हूँ इसलिए मैंने अपना नाम लिख दिया विजेंद्र सिंह है, संस्कृत अध्यापक, अध्यापक है। आप जो हैं वो अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अष्टम लिखेंगे। इस प्रकार इस पत्र को अच्छी तरह से समझकर साफ नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। प्रायः आपके सिलेबस में खालिस्तान भरकर पत्र सिखाया जाता है, लेकिन हमने पूरा पत्र सीधा रूप में सीख लिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।